मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भ्रष्टाचार के अड्डे के तौर पर जाना जाता रहा है, कमीशनखोरी का अड्डा इसे कहा जाता है। और एक छवि जो है वो यहाँ की पुख्ता नहीं बन पाई है, काफी समय इसमें लग चुका है। क्या अब इस छवि को बदला जा सकेगा? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बाबू सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि क्या कुछ आप कर पाए हैं जो इस छवि को बदल पाएंगे? पहले तो मैं आपके इस कथन का ही खंडन करता हूँ कि हमारी कोई ऐसी छवि बनी हुई है सर। अब आगे की बात, जहाँ तक करने का सवाल है, परिष्कार का हमेशा से अवसर रहता है जी। लघु उद्योग निगम का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन होता है। वो सिविल का जो अभी सिविल बंद किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, एक साल पहले उन्होंने आदेश दिया था। और ऑनलाइन का मतलब जितनी कार्रवाई टेंडर के संबंध में होती है वो संपूर्ण रूप से कंप्यूटर पे एक बटन दबा के जो टेंडर डाल रहे हैं उनको मिलती है। सिंहस्थ पे भी जो खरीदी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं लघु उद्योग निगम पर सवाल उठे थे जी। हमें बताता हूँ, सिंहस्थ की खरीद के मामले में कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए थे और एक भी आरोप को वो सिरे तक ले जा नहीं पाए और पुनरावृत्ति भी नहीं कर पाए। जब हमने उसका खंडन किया तो वो पुनरावृत्ति भी नहीं कर पाए, दूसरी बार बोल भी नहीं पाए। एक भी मामले में कहीं पर भी नियमों को तोड़कर कोई खरीदी के मामले में मध्यप्रदेश का उद्योग निगम ने टेंडर नहीं किया। जो किए वो पूर्ण शुचिता के साथ किए, वो जो सामान सप्लाई हुआ उसकी गारंटी जो होती है वो हमने दी कि वो अच्छी क्वालिटी का है। और लगभग लगभग मध्यप्रदेश सरकार ने जितने काम किए हैं वो लंबे समय तक चल सके ऐसे किए हैं जी। अस्थाई प्रकृति के कोई काम के टेंडर हमने किए भी नहीं थे जी। और ऐसे ही कोई खरीदी की भी नहीं गई है। अगर कोई खरीदी की गई है तो अब वो मध्य प्रदेश के दूसरे डिपार्टमेंट्स में वो सामान उपयोग में लाया जा रहा है, एक बात है। जहाँ तक आपने दूसरे कहा कि रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है, तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को फेवर करने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। हमने जो नए खरीदी नियमों का पालन किया है और बनाए हैं उसमें टेंडर होने के बाद में सप्लाई का ऑर्डर जिस डिपार्टमेंट को सामान लगता है वो डिपार्टमेंट ऑर्डर करता है। इसलिए ऑर्डर करने का विवेक लघु उद्योग निगम के पास नहीं है। वो डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा विभाग को कुछ खरीदना है फर्नीचर, हमने टेंडर कर दिया, आदेश वो देगा खरीदी का कि चार पांच छह लोगों में से किसको उसको आदेश देना है। पहले एक शिकायत ये रहती कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी जो है टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, कई बार टेंडर भी मिल गए तो कुछ फिल्टर अब लगा दिए जी। मैं बताता हूँ, ब्लैक लिस्टेड का कोई प्रावधान अभी तक मध्य प्रदेश शासन में है ही नहीं। जिस टेंडर में उसने गड़बड़ी की रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कुछ कि भाई जिस सौदे में आदमी ने बेईमानी की है उस सौदे को रद्द कीजिए, उस पर पेनल्टी लगाइए, जो भी आप उसको दंडित कर सकते हैं, अगले बिजनेस से उसको नहीं रोक सकते। किंतु इसके बावजूद हम उसको पार्टिसिपेशन से रोकते हैं। अगर किसी ने किसी एक टेंडर में गलत क्वालिटी का माल सप्लाई किया है, कम मात्रा में सप्लाई किया है, या अत्यधिक दाम डाल के और कार्टेल बना के उसने माल सप्लाई किया है, तो उसको निश्चित रूप से अगले टेंडर में भाग नहीं लेने देते हैं। और ऐसा एक भी उदाहरण आप हमारे यहाँ कम से कम मेरे आने के बाद छः महीने में नहीं दे सकते। ऐसा कोई आरोप लगाता है तो मनगढ़ंत झूठा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े भरोसा यहाँ पर दिला दिया गया है कि कम से कम छः महीने के जो कार्यकाल हुआ है, और मंत्री जी से भी हमारी चर्चा हुई थी उनका भी ये कहना था कि कुछ समय से लगातार लघु उद्योग निगम में परिवर्तन के दौर को तेज किया गया है, व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया और एक जो छवि है उसको बेहतर और सुदृढ़ करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट।